फ्रेश क्रीम की हर जगह जरूरत पड़ती है, तो आज बनाते हैं फ्रेश क्रीम घर में ही। इसको बनाने के लिए हमने दो तरीके के दूध लिए हैं। पहला है जो कि हमने फ्रिज में रखा था, देखिए कितनी मोटी मलाई जमी है। और दूसरा जो हमने लिया है वो है बॉईल करने के 2 घंटे बाद वाला दूध। इसमें एकदम पतली सी देखिए लेयर जमी है, हम इस लेयर को निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में 5 घंटे के लिए रख देंगे। अब देखिए हम इसकी मलाई को निकाल लेंगे। अभी ये पतली है तो जब हम इसे निकाल के इस दूध को वापस रख देंगे फ्रिज के अंदर, तब तो एक बहुत ही मोटी लेयर आ जाएगी और जब हम उसे फिर घोटेंगे तब ये क्रीम बन जाएगी। अब ये है फ्रिज वाली, ये देखिए मोटी सी लेयर है। इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देना है वरना ये मक्खन बन जाएगा। अब देखिए हम इसे फेंट रहे हैं और फेंटने के कुछ ही देर बाद देखिए हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। हमने इसे फ्रिज में 6 घंटे रखने के बाद निकाल लिया है। अब देखिए इसमें कितनी मोटी मलाई की लेयर जमी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे कुछ देर तक फेंट लेंगे और उसके बाद ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है, मतलब आपकी क्रीम तैयार हो चुकी है। अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं।